Welcome students, in today's class we are going to start atoms and the molecules. Okay, atoms and molecules in the 9th class CBSE, this is the chapter number 3. Okay, atoms and molecule chapter number 3. Now what we have to study in this chapter? In this chapter, we have to study about the atoms, their composition, their chemical properties, their rules of writing molecules, definition of molecules, and different theories which are involved in atoms and molecules. So, first of all, we start from atoms and molecules. The concept of matter is composed of the very small particles was given by the Indian Greek philosopher. अब जो matter का जो concept है, matter का concept में हमें ये पता है कि matter एक बहुत ही छोटे छोटे particles से बना हुआ है और इन particles को हम fundamental particles बोलते हैं, जो बहुत ही छोटे हैं, जो हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं. Okay, तो initially ये मतलब जब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग में एंशियंट जो उसकी डेफिनेशन से और जो फिलोसोफर्स है उन लोगों ने ये कहा कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे माइनूट पार्टिकल से बना है और ऐसे पार्टिकल से बना है जो कि डिविजिबल नहीं है. ओके, so this was the idea. Okay, and the idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC, and Indian philosopher that is Maharishi Kanan postulated that if we go on dividing matter, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए, महर्षि ने कहा कि अगर हम मैटर्स को डिवाइड करते जाए, उसको तोड़े, उसके डिवीजन करते जाए, उसके भाग करते जाए हम, तो और उस समय मतलब हम हिंदी लैंग्वेज में मैटर को पदार्थ कहेंगे. ओके, पदार्थ. तो मैटर को जब हम डिवाइड करते जाए तो क्या होगा कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और अल्टीमेटली लास्ट में हमारे को ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जो डिवाइड नहीं होगा, और जो डिवाइड नहीं होगा तो महर्षि ने उसे परमाणु का नाम दिया. तो ये थी क्या इंडियन हिस्ट्री. ओके, दिस वाज द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द एटम. ओके, नाउ दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटोमोस. इन्हें ग्रीक वर्ड में क्या बोला गया? ग्रीक वर्ड में इन्हें एटोमोस कहा गया, मींस एटम को एटोमोस कहा गया, और बाद में इसका इससे इसी वर्ड से बाद में वर्ड बना एटम. ग्रीक वर्ड है एटोमोस, जिसके मीनिंग होते हैं इनडिविजिबल. इनडिविजिबल एटोमोस मींस इनडिविजिबल. लेटर the John Dalton gave the term atom. Okay, John Dalton famous scientist है. Okay, इन्होंने बाद में इस atomos का conversion time में कर दिया, atom में कर दिया, जब से हम atom matter के fundamental particle को atom के नाम से जानते हैं. Okay, in the neutral atom the total number of protons in the nucleus is equal to total number of electrons revolving around the nucleus. ये तो हम सबको पता है ना, कि एक न्यूट्रल एटम जब हम किसी एटम को कंसिडर करते हैं और हम उसको अगर न्यूट्रल बोल रहे हैं तो उसमें के पॉजिटिव चार्ज और उसमें के नेगेटिव चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो जब भी हम उस एटम को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एटम कहेंगे. ओके, नाउ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस नहीं है तो उस एटम को हम आयन कहेंगे. ओके, आईओएन, आयन. आयन में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव. नेगेटिव वाला हम उसको एनायन बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं. ओके,
So this was the introduction about the atoms and molecules. Now we will see the concept. What concepts are involved in this? Now, by the end of the 18th century, जब 18th century खत्म हुई तो scientists recognize करने लगे, scientists लोगों को ये पता चल चुका था कि difference क्या है elements के बीच में और compounds के बीच में. मतलब 18th century तक काफ़ी research हो गया था और scientists elements और compounds में फ़र्क, उनमें difference, उनमें distinguish कर चुके थे. okay? और इतना इसमें थ्योरीज प्रपोज हो चुके थे कि बाद में एक जो साइंटिस्ट है एंटोनी लेवाइजर, इन्होंने एक फाउंडेशन बताया, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग द टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो एंटोनी लेवाइजर बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कंसेप्ट है, जिन्होंने ये बताया हमें केमिकल्स का या एटम्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है. ओके, तो इसको हमने इसको बायफरगेट किया गया और इसे बोला गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, तो हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करना है. ओके, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सबसे पहला जो रूल कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन से हम इसे कंसिडर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा हमेशा, बहुत ही कॉमन एसिड बेस का रिएक्शन है. हाँ, इसके रिजल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है NaCl और वाटर बनता है H2O. ओके, NaCl NaOH giving rise to NaCl plus H2O. okay, HCl plus NaOH giving rise to NaCl plus H2O. now what is chemical reaction? Chemical reaction is nothing but it is a chemical change, and chemical change is irreversible or it is a permanent change. okay, now if you are performing a chemical reaction, then what we are doing, we are taking reactants and we are taking reactant by the mass. hum reactant to le rahe hain lekin reactant ko hum kaise measure kar rahe hain, mass se measure kar rahe hain. okay, mass is the measure of quantity of matter within the sample. okay, to ye mass, abhi humne samajh lo iska mass kitna liya. अब याद रखें आप हमेशा कि जब भी हम केमिकल्स के बारे में एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को मेज़र करते हैं तो उसका मास हम मोल में मेज़र करते हैं. ओके, टाइम में मेज़र करते हैं मोल में. ओके, अभी हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, जिसे हम कहते हैं MOLE, मोल में मेज़र करते हैं. ओके, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मास बता रहा हूँ ग्राम के फॉर्म में. ओके, नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, द मास ऑफ सोडियम इज 23, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, mass of one hydrogen is 1. okay, 23 plus 16 plus 1 means 1 mole equals to 40 gram. okay, sodium chloride ban gaya hai. okay, now ab dekho ki hamare paas mein hydrochloric acid hai aur hamare paas mein sodium hydroxide hai. एक
मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास 36.5 है, एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 40 ग्राम है। मैं इन दोनों की सम कर दूंगा। व्हाट वाज द आंसर? 40 प्लस 30 70 प्लस 6 76.5 ग्राम। इसका मीनिंग ये है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया है टोटल रिएक्टेंट का मास 76.5 ग्राम है। कितना है? 76.5 ग्राम है। ओके, ये हम बोलेंगे दिस इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट साइड के टोटल मास है। अब हम मास देखेंगे प्रोडक्ट साइड का। वन मोल लिया हमने, ऑब्वियसली हम वन मोल लेंगे तो वन मोल ही बनेगा, इधर वन मोल का रिएक्शन है। तो सोडियम का मास कितना है? 23। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। तो सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5 The mass of sodium chloride is 58.5 ग्राम। वाटर का मास तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन 2, 2 हाइड्रोजन मास इज 2, 1 ऑक्सीजन मास इज 16 मींस 18 ग्राम। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट साइड के अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से है? NaCl प्रोडक्ट है और H2O प्रोडक्ट है। तो अब दोनों के मासेस की हम सम कर देंगे। दोनों के मासेस की सम करने पर क्या आता है? यहाँ पर सम करते हैं 58.5 एंड देन 18 देन 5 6 1 7 मास कितना आ गया? 76.5। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट साइड में भी प्रोडक्ट के मासेस की सम कितनी है? 76.5 है। मतलब देखो रिएक्टेंट में भी 76.5 था मासेस का सम, और प्रोडक्ट साइड में मासेस का सम कितना है? 76.5 है। मतलब रिएक्टेंट साइड मास एंड प्रोडक्ट साइड मास इज ऑलवेज इक्वल, मीन्स देर इज नो चेंज इन मास। ओके, तो कोई भी जब केमिकल प्रोसेस होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई केमिकल चेंज होता है, तो मास क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, एटम्स इधर के उधर होते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाती है। ओके, तो इससे हमें यह पता चला इस केमिकल रिएक्शन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये बोल सकते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप देखें, अगर दोनों भी बैलेंस नहीं हो रहे हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास अगर इक्वल नहीं है, तो आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन गलत है। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वी हैव स्टडीड विथ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे बोलते हैं। ओके, और हमने इसको ये एग्जाम्पल से हमने इसको कंसिडर किया, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको तो मुझे कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। इसके आगे हम दूसरा जो